शहर की हवाई पट्टी के सामने सड़क किनारे आए दिन रेत और गिट्टी के भारी वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम बना रहता है। राहगीरों, स्कूली बसों और रोड निर्माण एजेंसियों को अपना काम करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तथा कभी भी कोई बड़ी सड़क दुर्घटना घटित हो सकती है। यातायात पुलिस एवं देहात पुलिस द्वारा आज हवाई पट्टी पर खड़े हुए 14 रेत गिट्टी के ट्रकों पर चालानी कार्यवाही कर 7,000 रुपए समन शुल्क वसूला गया एवं सभी को हिदायत भी दी गई है कि भविष्य में अगर उनके द्वारा आम रास्ते पर ट्रकों को खड़ा किया गया तो ट्रकों को जब्त कर न्यायालय कार्यवाही भी की जाएगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हवाई पट्टी पे डंपरों पे चालानी कार्रवाई की गई। कितने डंपरों पे चालानी कार्रवाई की? आज ये कार्रवाई 14 डंपरों पे की गई है और 7,000 रुपए संबंध शुल्क इनसे वसूला गया है। आए दिन शिकायतें आती रहती हैं कि यहाँ पे हवाई पट्टी के किनारे सड़क किनारे डंपर रेत गिट्टी के लगते हैं, जिससे स्कूली बसों, आम जनता को, पैदल चलने वाले, सुबह घूमने वालों को तकलीफ रहती है और दुर्घटना घटित होने कभी भी संभावना बन सकती है। इसमें इनको पहले भी समझाइश दी गई है, कल भी हमारे द्वारा इनको हटाया गया लेकिन नहीं माने। आज मेरे द्वारा इन पर सभी 14 डंपरों पर कार्रवाई की गई, चालानी कार्रवाई, और अगर आज के बाद भी अगर ये लगाते हैं संबंध शुल्क बढ़ाकर, जुर्माने की राशि बढ़ाकर इन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करूँगा, क्योंकि इनको मंडी दे दी गई है प्रशासन के द्वारा पीछे लगाने के लिए, लेकिन उस पर नहीं लगाते हैं। कितना शुल्क और बढ़ा जाए सकता है? लगभग 4 गुना किया जाएगा अगर ये नहीं मानते तो। और निरंतर जो कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, वो आम जनता के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर कर किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।